Hello students, once again welcome you all on this platform Enrich Digital Academy। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने थ्योरी पार्ट देखा था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, तो उसी को अपन डिस्कस करेंगे। इट विल हेल्प यू more in your CBSE board examination. So let's start. पहला क्वेश्चन क्या है? The product of Ramu's age in 5 years ago. Okay, sorry. The product of the Ramu's age in years, which is 5 years ago, and his age 9 years later is 15. ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रामू एक बंदा है जिसकी एजेस का प्रोडक्ट यानी 5 साल पहले और 9 साल बाद का एजेस का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो डिटरमाइन द रामूस प्रेजेंट एज। तो बच्चों इसको अपन सॉल्व करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रामू बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू बी एक्स। ठीक है, रामू की प्रेजेंट एज कितनी मान ली मैंने? एक्स ईयर्स मान ली। तो 5 साल पहले रामू की एज क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 5 होगी। ठीक है, और उसने बोला है कि 9 years later, 5 years ago and 9 years later, तो 9 साल बाद, अभी अगर x years है तो 9 साल बाद कितना होगा? x plus 9 होगा। और इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, 5 साल पहले जब रामू की एज है और 9 साल बाद जो रामू की एज है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, दिस इज दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना आपका? दैट इज एक्स स्क्वायर 9 माइनस 5 इज 4x एंड 45 माइनस 15 दैट इज माइनस 60 is equals to 0. Okay. अब मुझे यहाँ पे देखना है कि फैक्टराइज करके मुझे x की वैल्यूज बतानी है। ओके, दिस इक्वेशन के रूट्स निकालना है। तो 60 आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो और बीच में मिडिल टर्म क्या है? 4। तो अपन देखते हैं, एलसीएम लेते हैं। 60 का कितना आ रहा है? दैट इज 2 3 is 6 0 2 15 is 30 3 5 is 15 एंड 5 is 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 2 10 एंड 3 2 6। तो 4 को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 10 और 6 में, जिससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 10, और इन दोनों में से माइनस 6 को कॉमन लो, अंदर बचेगा x प्लस 10। This is equals to 0. तो यहाँ से आपके दो फैक्टर्स आ गए, x plus 10 and x minus 6. अब दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 से इक्वेट किया, तो x plus 10 when equals to 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? minus 10. ठीक है, प्रेजेंट एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो देखिए दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। और when x minus 6 is equals to 0, इन दैट केस x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो रामू क्या प्रेजेंट एज मैंने क्या माना है? x इयर्स माना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू विल बी x इयर्स 6 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज इक्वल्स टू 6 इयर्स। सो दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The next question says the speed of the boat in still water is 8 km per hour. Again, ये बहुत important question है, exam में इस type का question पूछा जाता है। This is important one. Speed of the boat is given to you, that is 8 km per hour. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. Okay. So you have to find out the speed of the stream. चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। मैंने पानी का स्पीड कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, और मुझे एक फॉर्मूला पता है दैट इज टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे अब इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है, तो इक्वेशन फॉर्मुलेशन किस पे बेस्ड है, 5 आवर्स पे बेस्ड है। मतलब टोटल आवर्स कितना लग रहा है उसको, 5 आवर्स लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। अपस्ट्रीम में जाने में और डाउनस्ट्रीम में आने में उसका टोटल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, दिस इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। ओके, ये मेरा एक कंडीशन है, दिस इज माय कंडीशन। मुझे अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी दिया हुआ है दैट इज 15 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी दिया हुआ है दैट इज 22 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 15 किलोमीटर and the distance in downstream is 22 kilometers. Okay. और मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, स्पीड लगेगा अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो एज यू ऑल नो कि जब डाउनस्ट्रीम की बात होती है तो पानी का स्पीड और बोट का स्पीड जो होगा ऐड होगा, क्योंकि जब पानी की दिशा में अगर बोट ट्रैवल करेगी तो पानी उसको आगे बढ़ाएगा, मतलब उसकी स्पीड को इनहेंस करेगा। तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड जब की बात करेंगे जब डाउनस्ट्रीम में, तो पानी का स्पीड और बोट का स्पीड ऐड हो जाएगा। और जब स्पीड अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट की स्पीड में से पानी के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो उस समय जब अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में बोट ट्रैवल करेगा तो पानी स्पीड को अपोज करेगा, बोट की स्पीड को अपोज करेगा और वो बोट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट which is 8 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितना है, 8 किलोमीटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ध्यान रखिए, ठीक है। बोट की स्पीड में से पानी का स्पीड सबट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज योर स्पीड इन अपस्ट्रीम। नाउ स्पीड इन, इसको किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, ठीक है। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की जब बात करेंगे तो पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड ऐड होगा, तो कितना आएगा 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, सो SUSD भी पता लग गया, DU और DD भी पता लग गया आपको। नाउ अब इन सारे डेटा को अपन यहाँ पे इक्वेशन में रख लेते हैं। तो DU इज इक्वल टू 15 अपॉन SU, SU कितना है 8 माइनस एक्स, प्लस डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है बेटा 22 अपॉन स्पीड इन द डाउनस्ट्रीम इज 8 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 5 आवर्स दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, तो कितना आ रहा है आपका ये, दैट इज 15 into 8 plus x plus 22 into 8 minus x is equals to 5 times of 8 plus x into 8 minus x। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बना, 15 into 8, it was a 40, 120 plus 15 into x, 22 into 8, 8 to the 16 and 8 to the 16, 17 हो जाएगा, 176 minus 22x is equals to 5 times of 64 minus x square, okay। तो ये कितना हो गया आपका, that is 22 minus 15, तो बचेगा minus का 7 और 120 प्लस 176 हो जाएगा 2, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 0 इज 6, ओके। एंड माइनस 7x इज इक्वल्स टू 64 इंटू 5 दैट इज 320 माइनस 5। तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, इसको मैं अपन यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस का सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस का 7x और 296 माइनस 320 तो ये कितना हो जाएगा आपका 424 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 24 दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया, दैट इज 5x2 माइनस 7x माइनस का 24। एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि गलती तो नहीं कर दी अपन ने। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम 515 है ना, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम है 22, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटे। अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा दैट इज 8 minus x, क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट 8 दिया हुआ है, तो 8 minus x। डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 8 plus x। तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 15 upon 8 minus x, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज 22 upon 8 plus x, दिस इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 into 8 plus x plus 22 into 8 minus x, 5 times of this ये हो गया 120 plus 15x, 176 minus 22x, ये हो जाएगा 5 into 64 minus x square। इसको सिंपलीफाई किया तो कितना हो जाएगा 729 296 माइनस का 22 प्लस 15 इट इज माइनस 7, ये हो जाएगा 320 माइनस 5x square, तो ये जाएगा 5x2 माइनस 7x माइनस 24। ये इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं, 5x2 माइनस 7x माइनस 24, 5x2 माइनस 7x माइनस 24 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो रूट्स निकालने हैं, x की दो वैल्यूज आएगी आपकी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 into 5 दैट इज 120, तो 120 का अपन एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया 2 6 12, 2 3 is 6, 2 15 is 30, 3 5 is 15 and 5 1 is 5। आपको यहाँ से दो पेयर ऐसे बनाने हैं, इसका एडिशन सबट्रैक्शन 7 आ जाए। तो ये मिल गया मेरे को 8 और 15, 15 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो माइनस 7 लग के आना है मुझे, ठीक है। तो माइनस पहले लिखना पड़ेगा, तो 5x2 माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, ओके। एडिशन सबट्रैक्शन माइनस 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट इसका माइनस का 120 आना चाहिए, तो 15 into 8 minus 120 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कॉमन, x कॉमन, अंदर के बचा x minus 3 प्लस 8 कॉमन, तो x minus 3, तो x minus 3 पूरा कॉमन आ गया, अंदर के बचा 5x plus 8 this is equals to 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 3 आ रहा है और x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 8 अपॉन 5। दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया तो मेरे पास x के दो रूट्स आ गए, इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए x is equals to 3 एंड x is equals to minus 8 upon 5। अब यहाँ पर x क्या लिया है अपन ने वो देख लेते हैं। x क्या है मेरा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम का स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, पहली बात। दूसरा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कभी स्पीड ऑफ द बोट से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर में स्पीड ऑफ द बोट से ज्यादा आ जाए अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तब भी उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी का स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो बोट आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। सो इन दिस केस आपका जो आंसर होगा दिस इज योर वैलिड आंसर। सो द स्पीड, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ रहा है 3 किलोमीटर/h, दिस इज योर आंसर, दिस शुड बी नेगलेक्टेड, ठीक है। So this is your answer। तो बच्चों ऐसे अपने जो इक्वेशन को सॉल्व किया ना, स्पीड ऑफ द बोट और स्ट्रीम वाला, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, मेन जो टास्क है वो ये है कि आपको यहाँ से इक्वेशन बनानी है, मतलब टाइम दिया हुआ है टोटल टाइम आपको, तो आप स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम को ऐड करके फिर आप अपना फॉर्मूला लगा लो और उसके जो डेटा है सारे सब्स्टिट्यूट कर लो, सो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड वर 5 किलोमीटर/h मोर। ओके, सो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करे तो उसको या फिर ऐसा बोलूँ कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर ज़्यादा, यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं x मानूं और x प्लस 5 से ट्रैवल करवाऊँ ट्रेन को, तो मुझे 48 मिनट कम लगेगा 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में। ये मुझे क्वेश्चन में डेटा गिवन है। अब इसको मुझे इक्वेशन फॉर्मुलेशन में ये डेटा कैसे हेल्प करेगा वो मुझे देखना है। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड सॉल्यूशन, लेट द ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train, let the original speed of the train is equals to x kilometer per hour। ठीक है, फॉर्मूला वही है, speed is equals to distance upon time। टाइम के रिलेशन में ही यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है 48 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है ना। तो लेट्स से कि अपन ऐसा करें कि t1 जो टाइम है या फिर ओरिजिनल स्पीड से अगर चले तो टाइम t1 लग रहा है मुझे, लेट सपोज, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्लस से स्पीड से चलेगा तो टाइम मुझे 48 मिनट कम लग रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा जो ओरिजिनल टाइम है जिसको मैं to बोल रहा हूँ उसमें अगर मैं 48 मिनट ऐड कर दूँ, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसने क्या बोला है ना 48 मिनट्स कम लग रहा है अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं। तो लेट्स से t1 जो स्पीड है वो मेरा ओरिजिनल स्पीड से मेरे को जो टाइम लग रहा है दैट इज t1 है ना, और मैं अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लूं तो टाइम मुझे ऑब्वियसली कम लगेगा दैट इज t2, दैट इज t2, और यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम t1 है और अगर 5 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ा दिया तो टाइम कितना लग रहा है t2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है दैट इज 48 मिनट, कितना डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 48 मिनट। ओके, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d1 अपॉन s1 माइनस d2 अपॉन s2, दिस इज इक्वल टू 48 मिनट्स, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूं डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। ओके, यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि पहले कौन सा ले, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसको पहले लिखना है आपको, और अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, ये छोटा हो गया तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। सो डिस्टेंस d1 यहां पे आप लिखते हैं, डिस्टेंस d1 और d2 तो दोनों सेम ही है बिकॉज़ डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस 360 किलोमीटर। जो डेटा है मैं इसको यहां लिख लेता हूं, इन बोथ द केसेस द डिस्टेंस इज सेम। Now, when the time is uniform, तो t1, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड मैंने कितना माना है x माना है, ओरिजिनल कितना माना है x, तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ओरिजिनल स्पीड, जब ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, कितना स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर, ओके, और जब उसने स्पीड को बढ़ा लिया तो मैं इसको न्यू बोल देता हूँ, न्यू स्पीड, ठीक है, न्यू स्पीड कितना हो गया दैट इज x + 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड को इंक्रीज किया है, यहां पे लिखा हुआ है ना 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो कितना होगा बेटा x + 5। अब मैं यहां पे थोड़ा सा डेटा को ऐसा लिखूं कि आपको क्लियर हो जाए, डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है तो मैं du लिख लेता हूं यूनिफॉर्म स्पीड, और dn मतलब न्यू स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिमिलरली स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म su और न्यू स्पीड जो है दैट इज sn। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्लियर है कि DU और DN एक ही बात है, मेरा दोनों सेम ही है, तो मेरा क्या आएगा दैट इज 360 अपॉन SU दैट इज ओरिजिनल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड व्हिच इज x, ठीक है, माइनस 360 अपॉन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितना है दैट इज x प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, ये इक्वेशन आपको बनेगा दैट इज 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5। चलिए अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, तो यहाँ पर 360 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, 90। तो कितना आ गया आपका 90 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/5। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स से कैंसिल हो गया, तो 90 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बना आपका 90 इंटू 5 दैट इज 450 एंड 450 इंटू 5 2250, ठीक है। कितना है 2250 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इक्वेशन क्या बन रहा है आपका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2250 का एलसीएम लो, मुझे मिडिल टर्म क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 2 1 2 5 10, तो 5 10, 2 6 12, अच्छा ये 2 से नहीं होगा, सॉरी ये जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 7 21 एंड 3 5 50, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 50। अब 5 से हो जाएगा 5 into 25 एंड 5 5 25 एंड 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लेके आना है 5x बनाना है ना, तो 5 3 15, 15 3 45, ओके ये बन गया, ये तो 45 बन गया यहाँ से, और 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना आ गया 50 आ गया। तो एक तो 50 मिला और एक यहाँ से कितना मिला 5 9 45 मिला। तो 50 और 45 से मेरा क्या बनेगा 5x बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू, सो x कॉमन अंदर क्या आएगा x प्लस 50, यहाँ पे माइनस का 45 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 50। सो दो फैक्टर्स आ गए x प्लस 50 एंड x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया, तो x plus 50 is equals to 0, तो x is equals to कितना आ गया minus का 50 which is not valid, ठीक है, this is wrong, invalid this is, and और करके यहाँ लिख लेते हैं x minus 45 is equals to 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 45, this is valid। अब x क्या लिया है आपने the original speed of the train, so from here the original speed of the train be 45 किलोमीटर पर आवर, एस यू से रिप्रेजेंट किया है ना, इट इज यूनिफॉर्म स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर आंसर, ओके। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेन का और 5 फास्टर स्पीड से जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इक्वेशन कैसे बनाई यूनिफॉर्म टाइम और मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम लग रहा है दैट इज टी यू, इसको टी यू बोल दो, और जो स्पीड बढ़ा के जो टाइम लग रहा है दैट इज न्यू स्पीड, उसको tn बोल दो, नया टाइम क्या लगेगा दैट इज tn। अब ओरिजिनल टाइम ज्यादा है नए टाइम से, इसलिए ओरिजिनल टाइम को पहले लिखा हुआ है, नया टाइम बाद में लिखा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 48 मिनट दिया हुआ है, उसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड कर। टाइम का फार्मूला लगाया दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये जो सारे डेटा है ना यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म डिस्टेंस उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कैसे आया, सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और देन उसके बाद इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना है, इस पर काम करके जाना है। अगर आप ऐसे ही चले गए तो हो सकता है कि एग्जाम के समय थोड़ा प्रेशर रहता है तो आप इसको अच्छे से डील ना कर पाओ, तो हो सकता है आपको आता होगा बट एग्जाम में प्रेशर की वजह से आप इसको सॉल्व ना कर पाओ, तो पहले से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप गलती ना कर पाए, ठीक है। तो अब अपन अगेन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी टाइप का है, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वर्क और टाइम पे बेस्ड है। If the two pipes function simultaneously, a reservoir will be filled in 12 hours. Okay. अगर एक रिजर्वायर है उसको पूरा फिल होने में 12 घंटे लगते हैं, अगर दोनों पाइप को एक साथ अपन ओपन करते तो, ठीक है। अब उसने बोला है वन पाइप फिल द रिजर्वायर 10 आवर फास्टर, ठीक है, देन द अदर। उसमें दो पाइप में से एक पाइप जो है उसका फिल करने का जो स्पीड है वो 10 आवर फास्टर है। हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर? ऑब्वियसली अगर उसका 10 आवर्स फास्टर है तो सेकंड पाइप का जो टाइम होगा वो 10 प्लस समथिंग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है 10 घंटे, अगर मान लो उसको सेकंड पाइप को 20 घंटे लग रहे हैं उस रिजर्वायर को फिल करने में, तो फर्स्ट पाइप को कितना लगेगा? ऑब्वियसली 10 घंटा लगेगा क्योंकि 10 आवर फास्टर है वो। तो यहाँ पर अपन को इक्वेशन बनाना है, अगेन कैसे बनाना है वो समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे से सेकंड पाइप का फिल करने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो लेट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट द सेकंड पाइप will take x hours, okay, will take x hours to fill the reservoir. उसको x hours लगता है पूरा रिजर्वायर को फिल करने में, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप है ना जो भी काम है, दैट इज यहाँ पे काम क्या है, दैट इज रिजर्वायर को फिल करना, उसको आप यूनिट अमाउंट मान लीजिए कि 1 यूनिट कैपेसिटी है उस रिजर्वायर की, जो भी काम करवाना है उसको कितना मान लिया, टोटल 1 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। तो 1 यूनिट फिल करने में उसको कितना समय लग रहा है सेकंड पाइप को, दैट इज एक्स आवर्स लग रहा है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं कि पाइप फर्स्ट, ठीक है, पाइप फर्स्ट P1, उसको अगर 1 यूनिट काम करना है तो कितना समय लग रहा है उसको, दैट इज x minus 10 आवर्स लग रहा है। 10 आवर फास्टर बोला है ना, x minus 10 आवर लग रहा है। और पाइप 2 जो है उसको अगर 1 यूनिट काम करना है, मतलब रिजर्वायर का यूनिट मैंने अमाउंट क्वांटिटी जो कैपेसिटी जो है रिजर्वायर को 1 यूनिट माना है, उसको अगर 1 यूनिट काम करना है पाइप 2 को, तो उसको कितना समय लगेगा, दैट इज x आवर्स लगेगा। उसको बोला पाइप 1 फर्स्ट पाइप का वन पाइप फिल द रिजर्वायर 10 आवर फास्टर, तो पाइप 1 को मैंने फास्ट पाइप मान लिया ना। अब इसमें बोला है कि टोटल अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 12 घंटे लगते हैं, मतलब 12 घंटे में 1 यूनिट कंप्लीटली फिल कर देगा। ओके, तो यहाँ पर पहले अपन थोड़ा समझते हैं कि अगर वो पाइप 1 x माइनस 10 आवर में 1 यूनिट फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर पाइप 1 विल टेक pipe 1 will fill the reservoir in 1 hour, एक घंटे में, ठीक है। pipe 1 जो है वो 1 आवर में कितना रिजर्वायर फिल करेगा, तो कितना आएगा बेटा, दैट इज 1/(x - 10 यूनिट, ठीक है। अगर वो x minus 10 आवर में 1 यूनिट फिल करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, दैट इज 1/(x - 10। सिमिलरली ऑल्सो पाइप 2 फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/(x) यूनिट। एक घंटे में पाइप 2 कितना फिल कर देगा। नाउ अब अगर अपन दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दे एक घंटे के लिए तो कितना पानी फिल होगा, दैट इज 1/(x - 10 प्लस 1/x। अगर मैंने दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया 1 आवर में 1 आवर के लिए तो कितना फिल होगा रिजर्वायर, दैट इज 1/(x - 10 डिवाइड प्लस 1/x। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं if both pipe open if both pipe open, then in 1 hour the reservoir filled कितना होगा? That is 1/x plus 1/x minus 10. अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दूं 1 घंटे के लिए तो रिजर्वायर कितना फिल्ड होगा? That is 1/x plus 1/x minus 10. अब बेटा आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि 12 घंटे में पूरा फिल कर देता है रिजर्वायर, मतलब 1 यूनिट पूरा फिल हो जाता है इन 12 आवर्स, और मैंने 1 घंटे का वर्क निकाल लिया है। 1 घंटे का वर्क कितना निकाल लिया मैंने? 1 घंटे में दोनों पाइप कितना फिल करते हैं ये, तो अगर 12 घंटे में कंप्लीटली फिल कर देंगे तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/12। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 आवर में दोनों पाइप का वर्क निकाल लिया कि 1 घंटे में दोनों पाइप कितना फिल करेंगे टैंक को। तो पहला पाइप 1/x minus 10 करेगा और दूसरा पाइप 1/x करेगा, और दोनों जब एक साथ ओपन होंगे तो कितना फिल होगा? इतना फिल होगा। ओके, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 यूनिट फिल करने में दोनों पाइप को 12 घंटे लगते हैं। अगर P1 और P2 दोनों पाइप को ओपन कर दे तो 1 यूनिट फिल करने में कितना लगेगा बेटे? 12 आवर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली 1 आवर में कितना फिल करेगा? दैट इज 1/12 करेगा। 1 घंटे का वर्क निकाल लिया अपन ने, तो ये मेरा 1 घंटे का वर्क इस 1/12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया। अब मेरा इक्वेशन आ चुका है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा? दैट इज x minus 10 plus x is equals to 1/12। सॉल्व किया, दैट इज 2x minus 10। अच्छा, यहाँ से 12 भी जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये 12 उधर गया, तो कितना आ गया? x² minus 10x। कितना आ जाएगा? 24x minus 120 is equals to x² minus 10x। तो यहाँ से आपका क्या बन गया इक्वेशन? दैट इज x² माइनस 34x माइनस 10 और माइनस का 24 इधर आएगा तो माइनस 34x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास में इक्वेशन आ चुका है। अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप दो फैक्टर बनाओ, तो 120 आ रहा है, 180 से कितना आ रहा है? दैट इज 120 माइनस का, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? That is 2 6 12 3 6 15 3 और 5 5। मुझे क्या लेके आना है? माइनस का 34 लाना है, तो कितना आ जाएगा ये? 5 3 15 15 2 30। एक तो ये इससे पहले 30 बन गया और ये दोनों 4 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 और 4, तो 30 और 4 माइनस 120 बन जाएगा, तो कितना आ गया? x² माइनस 30x minus 4x minus 120 is equals to 0. So this is equals to x common लिया तो x minus 30, यहाँ से minus 4 common लिया तो x minus 30, तो दो फैक्टर बन गए आपके x minus 4 and x minus 30. This is equals to 0. तो दो फैक्टर से आपके दो आंसर आ गए, x equals to 4 hours and दूसरा x minus 30, x is equals to 30. यहाँ पे एंड की जगह क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो x equals to 4 hours is also correct and x equals to 30 hours is also correct। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अपने x किसको माना है? अपने x किसको माना है? The second pipe पूरा फिल करने में कितना समय लगाता है? x hours लगाता है, और अगर x मेरा 4 आ गया तो फर्स्ट पाइप तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज़ फर्स्ट पाइप को 10 घंटा कम लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइप को 10 घंटा कम अगर मैं करने जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से 4 को यहाँ पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। दिस शुड बी नेगलेक्टेड, क्योंकि बेटा अगर सेकंड पाइप कंप्लीट फिल करने में 4 घंटे लगा रहा है तो पहला जो पाइप है उसको 10 घंटे अगर कम लग रहे हैं तो इसका मतलब वो तो -6 आवर्स लगा दिया उसने, और -6 तो हो ही नहीं सकता ना, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इस वजह से 4 को यहाँ पर नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज 30 आवर्स, मतलब सेकंड पाइप को रिजर्वायर को फिल करने में कितना समय लगेगा? 30 आवर्स लगेगा। ओके, सो द टाइम विल बी 30 आवर्स फॉर द सेकंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर। So in this way you can solve this word problem of the quadratic equation. जो अपन ने आज क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे हैं इसके अंदर जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इसके आधार पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम अपन ने यहाँ पर रिविजन एक्सरसाइज में देखे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और तैयारी करें। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके सामने, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उस पे बेस्ड अपन कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे रिवीजन में और उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।